इस आदमी के पूरे ही चेस्ट पे हो गए हैं बहुत ही ज्यादा कीड़े ट्राइपोफोबिया वाले। और देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े को एक ही बार में पीस किया। अभी ये कुछ घिनौने टाइप के कीड़े हैं, इसके पूरे शरीर में रेंग रहे हैं, इसको भी हम लोगों ने काट के निकालना है। और देखिए ये कुछ रेंगने वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं, एक ही बार में हमारा चाकू फिनिश करके निकाल चुका है। और ये फिंगर्स वाले कीड़े हैं जो कि ये भी कट चुके हैं पूरे के पूरे, अभी थोड़े बहुत बचे हैं। और देखिए फिंगर्स वाले कीड़े पूरे के पूरे रिमूव हो चुके हैं इसके पूरे ही बॉडी से। और ये रेड वाले कीड़े बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, इसको भी हम लोगों ने काट के निकाला। अभी ये ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े हैं। तो देखिए ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े भी देखिए सेफ तरीके से कट के निकल चुके हैं एक ही बार में। और देखिए ये कुछ गिनोइड टाइप के कीड़े हैं जो कि ये भी कट के निकल चुके हैं एक ही बार में। तो देखिए ट्राइपोफोबिया वाले ज्यादा कीड़े हैं जो कि ये भी कट के निकल चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं पूरे के पूरे। इसके पुल बॉडी पे हम लोग बहुत ही डीप क्लीन करेंगे पूरा का पूरा आज। और देखिए इसके हेड पे लगे हुए फंगल को भी हम लोगों ने रिमूव किया। और ये होल वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के निकल चुके हैं। और ये कुछ किराने टाइप के मैंगोट्स वाले कीड़े हैं, ये भी निकल चुके हैं। आगे हमारा गोल्डन वाला चाकू ये बहुत ही सेफ तरीके से मैंगोट्स वाले कीड़े को निकाल रहा है और बड़े बड़े घवद में। तो देखिए पूरे के पूरे मैंगोट्स वाले कीड़े को पूरे के पूरे घवद वाले कीड़े को निकाल चुका है। आगे हमारा दवा इसके पुल बॉडी पे लगेगा और हम लोग इस पे बहुत ही डीप क्लीन करेंगे बहुत ही सेफ तरीके से। अब आगे हमारा कॉटन बुल रुई। और देखिए हम लोग टाइमर चला देते हैं, टाइमर चलाने के बाद देखेंगे फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। तो देखिए टाइमर चल चुका है और देखिए इसका फुल बॉडी को हम लोगों ने डीप क्लीन कर दिया है, वो भी ट्रीटमेंट से एनिमेशन करते बहुत ही सेफ तरीके से पूरे ही चेस्ट पे और पूरे इसके बॉडी पे देखिए हो गए हैं। बहुत ही ज्यादा कीड़े हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे वो भी चाकू के माध्यम से। तो देखिए एक ही बार में हम लोग काट रहे हैं हर एक वायरस को। और ये भी देखिए बहुत ही सेफ तरीके से सभी कीड़े निकल चुके हैं। और ये भी घिनौने टाइप के कीड़े थे ये भी रिमूव हो चुके हैं। और ये देखिए घिनौने टाइप के कीड़े थे और ये भी देखिए सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं एक ही बार में। और देखिए हमारा पत्थरोला चाकू इस वाले कीड़े को काटा। और ये भी वायरस कट के गिर चुका है ऑसम तरीके से।
और इसके कांख में लगे हुए कीड़े वो भी निकल चुके हैं। हैंड वाला चाकू आया। और देखिए बहुत सारे कीड़े को रिमूव कर रहा है एक ही बार में। तो देखिए चेस्ट पे लगे हुए सारे वायरस निकल चुके हैं और इसके कांख में लगे हुए कीड़े को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए वो भी निकल रहे हैं धीरे धीरे। और ये जाली वाले कीड़े हैं वो भी निकले। और ये भी जाली वाले कीड़े थे, ये भी सेम तरीके से निकल चुके हैं। और ये देखिए गोल गोल वाले कीड़े थे वो भी निकले सेम तरीके से। और ये भी देखिए काफी औसम तरीके से गोल वाला कीड़ा ये भी निकल चुका है। और ये देखिए कीड़े हैं मैंगोट्स हैं। ये दूसरा वाला भी मैंगोट्स निकल चुका है बहुत ही औसम तरीके से। आ गया हमारे स्प्रे का बॉटल। तो देखिए बॉटल आ गया है और दूसरी जगह भी हम लोगों ने दवा डाल दिया है। अब हम लोग हमारा आ जाएगा कॉटन वूल रुई। तो टाइमर हम लोग चला देते हैं। टाइमर चलाने के बाद देखते हैं। तो देखिए 4, 3, 2, 1, अब देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। अब लोग देख सकते हो इस मैन के पूरे ही कांख वाले हिस्से में। बहुत ही ज़्यादा कीड़े लग गए हैं तो हम इसको चाकू के माध्यम से रिमूव करेंगे आज पूरा फुल इसका ट्रीटमेंट करके। तो देखिए हमारा चाकू फंगल वाले कीड़े को रिमूव किया बहुत ही सेफ और औसम तरीके से। आ गया दूसरा चाकू। और ये भी देखिए कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे ये भी रिमूव हो चुके हैं। आ गया दूसरा चाकू हमारा ग्रीन वाला। और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से इसको रिमूव कर दिया है। और देखिए ये मैंगोट्स थे ब्लैक वाले जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। तो देखिए बहुत सारे घिनौने टाइप के कीड़े लग गए हैं इसके पूरे बदन पे। और ये भी बहुत ही डेंजरस वाला कीड़ा था जो कि लग चुका था, ये भी रिमूव हुआ। और ये छोटे छोटे मैंगोट्स थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा दूसरा चाकू। और ये कांटे वाले कीड़े को रिमूव किया। अभी फिंगर्स वाले कीड़े को रिमूव करेंगे हम लोग। अभी ये मैंगोट्स वाले कीड़े थे ये भी रिमूव हुए। अभी हम लोग इसको रिमूव करेंगे फिंगर वाले को। तो देखिए फिंगर्स वाले रिमूव हो चुके हैं कीड़े। और ये ब्लैक टाइप के कुछ घिनौने कीड़े थे इसको रिमूव किए हम लोगों ने। और ये छोटे छोटे वार्ट थे जो कि इसको भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया। और ये देखिए घिनौने टाइप के ये भी कीड़े थे ये भी रिमूव हुए। हैंड वाला चाकू हमारा आया। और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हमने काट दिया सब सारे वायरस को। और देखिए आगे हमारा स्प्रे। तो देखिए दवा पड़ चुकी है। अब हम लोग इस पे कॉटन वूल रुई से इसे साफ करेंगे। तो टाइमर चलने देते हैं। टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है भाई लोग। इस मैन के देखिए पूरे ही बॉडी पार्ट पे देखिए बहुत ही छोटे छोटे
कीड़े हो गए हैं और फिर बहुत बड़े बड़े भी कीड़े हो गए हैं। और देखिए हम लोग चिमटी के माध्यम से इसको देखिए कीड़े को फेंक रहे हैं, बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव कर रहे हैं। तो आज हम इसका फुल ट्रीटमेंट करेंगे पूरे ही इसके बॉडी यानी चेस्ट बॉडी का। तो देखिए अब आगे बढ़ा जा चाकू और ये बड़े वाले होल वाले कीड़े को एक ही बार में काट के पूरा का पूरा सफा चट करके गिरा दिया है। और ये बड़े बड़े रंगोली जैसे टाइप वाले कीड़े को एक ही बार भी काट के गिराया हमारे चाकू ने। और ये देखिए मैंगोट्स वाले कीड़े को भी सेफ तरीके से हम लोगों ने काट के पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। और ये भी कुछ कीड़े थे ये भी रिमूव हुए बहुत ही सेफ तरीके से। और ये कांटे वाले भी कीड़े इसके पूरे ही चेस्ट पे लग चुके हैं। तो देखिए हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ तरीके से चलता ही रहता है ऐसे ही। और हमारे चाकू हमेशा ही कीड़े को काटते ही रहते हैं पूरे के पूरे। और ये काटेदार वाले कीड़े थे थोड़े थोड़े ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो देखिए हमारा कटर जो था कि मैंगोट्स वाले कीड़े को एक ही बार में रिमूव किया। तो थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा ट्रीटमेंट कर दिया है इसके पूरे शरीर का। अभी ये कुछ छोटे छोटे फंगल थे इसको भी हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव कर दिया है। और ये होल वाले कीड़े थे इसको भी रिमूव करके हम लोगों ने सेफ तरीके से ट्रीटमेंट किया है। तो इस वजह से हम लोग दवा मार देते हैं पूरे बॉडी पे। अभी ये कीड़ा तो कटेगा नहीं तो बॉडी के पार्ट से ही अलग है। तो आगे हमारा कॉटन वूल रुई। तो टाइमर चले देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। तो फाइनली गाइस आप लोग देखते रहिएगा। रही चेस्ट पे देखिए बहुत तगड़े वाले कीड़े लग चुके हैं जो कि हम चिमटी के माध्यम से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए हमारा चिमटी धीरे धीरे रिमूव करेगा कुछ कीड़े को। तो देखिए कीड़े को पकड़ा और ये रेड वाले कीड़े होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो पूरे ही चेस्ट में होल करके ये लोग घुस चुके हैं पूरे के पूरे। और देखिए हमारा बहुत ही सेफ तरीके से चिमटी रिमूव कर रहा है। और देखिए बहुत सारे कीड़े को रिमूव कर चुका है, हैंड वाला चाकू आया हमारा। और देखिए होल वाले को बहुत ही सेफ तरीके से काटा। और ये भी होल वाला कीड़ा था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, वो भी बड़ा वाला निकल चुका है कट के। और ये छोटे छोटे मैंगोट्स के बच्चे थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं ऑसम तरीके से। और ये भी बड़े वाले कीड़े थे लेकिन छोटे छोटे थे, वो भी निकल चुके हैं। अभी ये हमारा चाकू पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करेगा पूरे मैन के पूरे चेस्ट को। और ये होल्स वाले कीड़े हैं जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं।
और ये फिंगर्स वाले कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं पूरे के पूरे। आ गया दूसरा चाकू हमारा। और ये गंदे वाले होल वाले कीड़े को एक ही बार में काट के गिरा दिया है। तो हमारा पतला वाला चाकू आंख वाले कीड़े को निकाल दिया। और ये भी कुछ घिनौने टाइप के कीड़े लग गए थे, इसको भी निकाल दिया है पूरा का पूरा। और ये गोल्डन वाला चाकू सेफ तरीके से काट रहा है। तो देखिए बहुत ही असम और लुक तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा फिनिश स्ट्रेटन किया है। अब हम लोग दवाई लगा देते हैं। तो दवा लग चुकी है, अब ये हमारे दवा का काम ख़त्म हो चुका है। आगे हमारा कॉटन वुल रुई। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। चेस्ट पे लगे हैं कीड़े छोटे छोटे जो कि हम चिमड़ी के माध्यम से धीरे धीरे रिमूव करेंगे और इसका फुल ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग आज पूरा फुल इसका। तो देखिए बहुत सारे घिनौने टाइप के कीड़े लगे हैं और हम लोग देखिए चिमटी के माध्यम से धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। और ये देखिए कीड़ा पकड़ा गया और देखिए सेफ तरीके से हम लोगों ने रिमूव कर दिया इस कीड़े को। और ये दूसरा वाला भी कीड़ा और ये रेड वाला कीड़ा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको भी हम लोगों ने रिमूव किया। और ये भी लास्ट वाला कीड़ा था और ये भी रिमूव हो चुका है बहुत ही ऑसम तरीके से। ये हमारे चिमटी का काम ख़त्म हो चुका है। आगे हमारा दूसरा वाला चाकू। देखिए इस होल वाले कीड़े को हम लोगों ने बहुत ही सेफ और ऑसम तरीके से निकोल दिया है पूरा का पूरा। और ये भी कुछ कीड़े थे, ये भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया है बहुत ही ऑसम लुक तरीके से। और ये घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि इसके हैंड में लगे हुए थे, हम लोगों ने निकोल दिया है इसको। पूरे ही चेस्ट में लग गए हैं कीड़े, हम सबको निकाल देंगे पूरे के पूरे कीड़े को। तो ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े पूरे के पूरे कट के गिर चुके हैं, अब ये घिनौने टाइप के कीड़े को काटेगा। और देखिए ये घिनौने टाइप का कीड़ा भी बहुत ही सेफ तरीके से गिर चुका है। आगे हमारा दूसरा वाला चाकू। और देखिए बहुत ही ऑसम लुक तरीके से ये काट के पूरे का पूरा गिरा दिया, हैंड वाला चाकू आया, ये घिनौने टाइप के कीड़े को काटेगा। और देखिए ये घिनौने टाइप का कीड़ा बहुत ही सेफ तरीके से गिर चुका है ऑसम तरीके से कट के। और देखिए इसका चेस्ट बिल्कुल भी क्लीन हो चुका है बहुत ही ऑसम लुक तरीके से। और ये हमारा बड़ा वाला चाकू बहुत सारे मैंगोस को एक ही बार में काट के निकाल दिया है। आगे हमारा स्प्रे। तो देखिए स्प्रे से हम लोग दवाई डाल देते हैं। तो देखिए दवाई डल चुकी है, अब हमारा स्प्रे का काम ख़त्म हो चुका है। हमारा आ गया कॉटन बुल रुई। हम इससे टाइमर चला देते हैं। तो टाइमर चल रहा है और टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है ट्रीटमेंट। जैसा आप लोग देख सकते हो इस आदमी के पूरे ही चेस्ट एंड हैंड पे बहुत सारे कीड़े लगे हैं।
हमारा हैंड वाला चाकू जो कि घिनौने वाले टाइप कीड़े को काट के एक ही बार में साफा कर दिया। और ये रेतीला वाला चाकू भी देखिए बहुत ही औसम तरीके से काट के निकाला कुछ कीड़े को। और देखिए इसके हैंड वाले कीड़े को हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और ये ट्राइकोफोबिया वाले कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं एक ही बार में। और ये कुछ काटेदार वाले कीड़े जो कि ये भी बहुत टाइप घिनौने टाइप के हैं ये भी निकल चुके हैं। तो देखिए हम लोग बहुत ही सेफ और डीप क्लीन के साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे आज। और ये छोटे छोटे मैंगोट्स हैं जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा छोटा वाला चाकू। तो देखिए चेस्ट वाले बॉडी को हम लोगों ने साफ कर दिया, एक बार और साफ करेंगे। तो देखिए ये भी बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है। आ गया हमारा बेलचा। और ये बॉडी वाले कीड़े को एक ही बार में साफ कर दिया पूरा का पूरा। और ये कांटेदार वाले कीड़े थे ये भी निकल चुके हैं। अब ये घिनौने टाइप का कीड़ा है। तो देखिए ये भी बहुत ही सेफ तरीके से निकल चुका है एक ही बार में। आगे हमारा दवा, एक जगह दवाई लग चुकी है और दूसरी जगह भी देखिए दवा लग चुकी है। अब आगे हमारा कॉटन वूल रोई, तो टाइमर चलने देते हैं।